हाय दोस्तों, आज हम लोग लिक्विड कूलिंग सिस्टम में जो कूलिंग फैन रहते हैं वो कूलिंग फैन के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपको इस चैनल में ऑटो स्पेस में, और मैं हूं सुरजीत। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। कूलिंग सिस्टम में जो जो नया नया फैन इम्प्लीमेंट किया गया है वो फैन के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगा और क्यों इम्प्लीमेंट किया गया है। पहले आपको बता दें, कूलिंग सिस्टम में फैन एक महत्वपूर्ण काम करता है, क्योंकि फैन का यही काम है कि जैसे इंजन स्टार्ट है पर व्हीकल स्टैटिक कंडीशन में है, तो उस समय आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंजन को एयर सप्लाई करना है, मतलब इंजन को ठंडा करने के लिए एयर सप्लाई करना है। दूसरा है, जब गाड़ी चलता है तो उस समय और मोर एयर सप्लाई करके इंजन को बेहतर ठंडा रखना है, या जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना है। तो ये है कूलिंग सिस्टम में जो फैन है, फैन का काम है। तो चलते हम लोग देखते हैं कूलिंग सिस्टम में क्या क्या नया इम्प्लीमेंट। पहले जो फैन था वो है रिजिड फैन सिस्टम है, और ये जो नया तीनों फैन है ये मॉडिफिकेशन होके, मतलब कूलिंग सिस्टम में नया जो टेक्नोलॉजी है फैन का वो है। एक है विस्कोस क्लास फैन है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लास फैन है, और तीसरा इलेक्ट्रिक कूलिंग फैन है। तो रिजिड फैन क्या है, नॉर्मल गाड़ी में आप लोग सब लोग देखे होंगे जो फैन जो आते हैं वो बेसिकली दो मेटल के आते हैं, एक है प्लास्टिक और दूसरा मेटल फैन आते हैं। तो हमारा कमर्शियल व्हीकल्स और जो कार में आते हैं वो है आपको प्लास्टिक का जो मेटेरियल का जो फैन है वो फैन आता है। तो रिजिड फैन ये होता है कि वाटर पंप का जो पुली है, वाटर पंप का पुली के ऊपर ये नॉर्मली प्लास्टिक फैन यूज होते हैं, जो पुली के साथ पूरा रिजिड रहता है। जैसा इंजन स्टार्ट होने से वाटर पंप भी घूमने लगता है, ये फैन भी सेम स्पीड में घूमने लगते हैं। मॉडिफिकेशन का फास्ट मॉडिफिकेशन क्या आता है आपको, विस्कोस क्लच फैन। रिजिड फैन हटा के विस्कोस क्लच फैन लगाया गया। विस्कोस क्लच फैन में क्या होता है, फैन ही रहता है वो प्लास्टिक मेटेरियल के रहता है, बट फैन का जो सेंटर पोर्शन है जो एक क्लच असेंबली देते हैं, विस्कोस क्लच असेंबली, वो विस्कोस क्लच असेंबली के अंदर रहते हैं आपको विस्कोस सिलिकॉन फ्लूइड रहते हैं, वॉल रहते हैं, और विस्कोस क्लच असेंबली रहते हैं। वो क्लच असेंबली आपको वाटर पंप का जो पुली है उसके साथ फीड रहते हैं, और वो क्लच असेंबली ऊपर फैन फीड होते हैं। क्लच असेंबली लगाने का एक ही फायदा है कि क्लच असेंबली लगाने से क्या होगा, जब हमारा एयर जरूरत है कूलिंग के लिए तभी वो क्लच इंगेज होगा, अदरवाइज क्लच डिसएंगेज रहेगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मल जो इंजन का वर्किंग टेम्परेचर यह होता है कि 85 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। सो जब 85 से 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंजन का जो कूलेंट टेम्परेचर हो जाएगा, तब वो क्लच फैन के ऊपर एक मेटलिक सेंसर रहता है स्प्रिंग टाइप, वो सेंस करेगा जो इंजन का टेम्परेचर आपको 85 से 90 ओवर हो गया, तो ओवर होने से वो आप अंदर जो वाल्व है वो सिलिकॉन फ्लूइड को छोड़ देगा, छोड़ने से अब फैन का जो क्लच है वो इंगेज हो जाएगा और फैन और आपका इंजन का स्पीड सेम हो जाएगा, मतलब फैन एक्टिवली घूमने लग जाएगा। अगर ये क्लच डिसएंगेज कंडीशन में रहेगा, मतलब फैन अगर एक्टिव नहीं होगा, तो उस समय इंजन का जो स्पीड है और फैन के स्पीड में अंतर रहेगा, यानी इंजन का स्पीड ज्यादा मतलब जो रहेगा उससे फैन का स्पीड कहीं गुना कम रहेगा, क्योंकि फैन तब फ्रीली घूमता है, उस समय एयर का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका क्लच असेंबली का जो सेंसर वो सेंस करते हैं अभी क्लच इंगेज करने का समय नहीं है, मतलब टेम्परेचर राइज नहीं हुआ 90 तक। सो ये है क्लच विस्कोस क्लच टाइप फैन का एक फैसिलिटी है, मतलब जब जरूरत है तभी वो ऑन होगा। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच फैन है, सेम विस्कोस क्लच फैन जैसा ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच फैन है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच फैन में जस्ट विस्कोस का जगह में जो विस्कोस आपका जो क्लच असेंबली था वो क्लच असेंबली हटा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच असेंबली दिया है। सेम विस्कोस जैसे वो भी टेम्परेचर सेंस करते हैं, जैसा टेम्परेचर राइज होगा आपको 85 और 90 के ऊपर है, तभी उसको व्हीकल्स का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उससे सप्लाई मिलेगी इलेक्ट्रिक, सप्लाई होने से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो असेंबली है वो जस्ट फैन को क्लच इंगेज करता है, इंगेज करने से इंजन और आपका जो फैन का स्पीड है वो सेम हो जाएगा। और जैसा वो अगर सप्लाई नहीं है आपको व्हीकल का जो सिस्टम उसे सप्लाई अगर नहीं है तो वो डिसएंगेज कंडीशन में जाएगा, वही आपको इंजन और फैन का स्पीड में डिफरेंस होगा, फैन का स्पीड काफी कम होगा तो फ्रीली घूमने लगेगा। सेम है इलेक्ट्रिक कूलिंग फैन जो है, अब बेसिकली कार सेक्शन में आप देखे होंगे जो रेडियर के सामने एक फैन लगा रहते हैं वो है फुली इलेक्ट्रिक कूलिंग फैन है। वो कूलिंग फैन में क्या होता है, जैसा सेम इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैन जैसे है, जैसा टेम्परेचर सेंस करेगा आपको जो वर्किंग टेम्परेचर है इंजन का वो सेंस करने का, जैसा सेंस करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फैन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा और वो ऑन हो जाएगा। तो आप कभी कभी देखे होंगे इंजन बेसिकली कार सेक्शन में, तो इंजन शट डाउन करने के बाद भी कभी भी काफी देर तक इलेक्ट्रिक फैन कभी कभी चलता है, तो उसका यही कारण है कि
तो आपका जो व्हीकल सिस्टम वो तब तक इलेक्ट्रिक फैन को सप्लाई देगा घूमने के लिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई तब तक देगा जब तक आपको कूलेंट के टेम्परेचर जो है वो 85 या 90 के नीचे ना आ जाए। अगर आपको गाड़ी शट डाउन किया तो 95 डिग्री टेम्परेचर, तो वो 85 लाने के लिए जितना समय लगेगा उतना देर तक वो आपको सप्लाई देगा इलेक्ट्रिक फैन को, जो टेम्परेचर सेंस करते रेडिएटर का अपर टैंक, नहीं तो थर्मोस्टेट हाउसिंग में एक टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है, और नहीं तो इंजिन का जो वाटर जैकेट मतलब इंजन का जो बॉडी है वो बॉडी में आपको कूलिंग कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, वो वहां से ये जो फैन है ये फैन सेंसर से सेंस करते हैं जो इंजन का कूलेंट का टेम्परेचर कितना है। तो ये बात आपका मन में आया होगा कि जो रिजिड फैन छोड़ के विस्कस क्लास फैन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक कूलिंग फैन क्यों लाया गया सिस्टम में। तो नॉर्मली क्या होता है, मैं पिछले वीडियो में थर्मोस्टेट वाले में बताया, जो थर्मोस्टेट क्या काम है, बेसिकली इंजन का आपका जो वर्किंग टेम्परेचर जल्दी रीच करना, मतलब जल्दी ये जो वैल्यू है वैल्यू पे लाना उसका मेन काम है। तो जैसा रिजिड फैन अगर लगा रहेंगे, रिजिड फैन में क्या होगा, आप जैसे इंजन स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने के बाद तुरंत वो ये भी स्टार्ट हो जाएगा, और स्टार्ट होकर आपको कंटिन्यू एयर फ्लो करते रहेगा इंजन में। सो उसमें हमको कंटिन्यू मतलब जैसे आप इंजन स्टार्ट किया तब से वो फैन को घुमाने के लिए कुछ पावर हमेशा इंजन से लॉस हो रहा है फैन को घुमाने के लिए, क्योंकि हर आपको कंपोनेंट को मूव करने के लिए कुछ पावर जरूरत पड़ता है, तो इंजन का कंटिन्यू पावर लॉस होता है उसमें। और डिस्कोस इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैन लगाने से क्या होता है, जैसे आप इंजन स्टार्ट किया तो फैन तुरंत आपको क्लच एंगेज नहीं हो जाता है, उसको एंगेज होने के लिए टेम्परेचर आपको पहुंचना पड़ेगा। तो जितना देर में वो टेम्परेचर पहुंचेगा, मतलब अगर आपको एम्बियंट टेम्परेचर 25 है और उससे 85 या 90 डिग्री कूलेंट का टेम्परेचर रीच होने के लिए आपको 30 मिनट समय लग रहा है, तो 30 मिनट तक आपको ये फैन घुमाने के लिए इंजन से कुछ पावर का जरूरत नहीं है, मतलब आप 30 मिनट तक इंजन का पावर जो है फैन घुमाने का जो पावर लगता है वो पावर आप सेव कर सकते हैं। और अगर ये फैन उसी कंडीशन में अगर फैन मतलब स्टार्टिंग में अगर फैन नहीं घुमा तो थर्मोस्टेट का जो मेन काम है, जो आपको इंजन का जो वर्किंग टेम्परेचर रेस करना है, वो बहुत साडन हो जाएगा, क्योंकि रिजिड फैन में स्टार्ट करने के बाद कंटिन्यू एयर फ्लो करते हैं तो थर्मोस्टेट का थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है ज्यादा। तो ये जो अपडेटेड फैन है ये लगाने से क्या होगा, थर्मोस्टेट का जो मेन फंक्शन है उसमें काफी मदद रहता है, मतलब तुरंत आपको वर्किंग टेम्परेचर रीच हो जाता है। सो ये जो अपडेटेड फैन है इसमें कुछ फायदा भी है, ये है कि रिजिड फैन में जब कंटिन्यू घूमता है तो उसको पावर लॉस होता है, और ए फैन में क्या होता है, ए फैन में अपडेटेड फैन में ये होता है कि जब हमको जरूरत पड़ता है तब जाके वो इंगेज होता है, नहीं तो इंगेज नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इंजन का कुछ पावर परसेंट पावर हमको सेव होता है हमेशा। दूसरा, जो इंजन का वर्किंग टेम्परेचर जो राइस होता है वो जल्दी हो जाता है, सो जल्दी होने से आपका फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ा ज्यादा मिलता है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और नया जो फैन सिस्टम में हमारा कूलिंग सिस्टम है उसके बारे में आपको काफी जानकारी मिला हो, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना। थैंक यू।